नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल आओ बातें करें में। दोस्तों वैसेंस ने लिखते हैं, सर मैं 11 साल का हूं और मेरा फर्स्ट मोलर अभी तक नहीं उगा है, क्या करूं, प्लीज रिप्लाई कीजिए या इस पर वीडियो बनाइए। वैसेंस जी, ऐसा होता है कि हम मसूड़ों पर आवश्यकता के अनुसार यानी कि जो उनके रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार लोड नहीं देते, जिसके कारण हमारे दिमाग में या हमारे शरीर में मैसेज नहीं जाता कि उस जगह तेजी से रिपेयरिंग की या ग्रोथ की आवश्यकता है, वहां अधिक लोड पड़ रहा है, तो ऐसे में दांत सही से उग नहीं पाते, समय से नहीं उग पाते। तो इसके लिए आप अपने मसूड़ों की मसाज कीजिए। मसाज करना क्या है कि थोड़ा हार्ड चीज खाइए, जिसके कारण मसूड़ों पर लोड पड़ेगा और जो दांत उसके अंदर है ना, वो तेजी से ग्रोथ कर बाहर निकल के आ जाएगा। मसूड़ों पर सही प्रेशर या सही लोड ना पड़ने के कारण दांतों की ग्रोथ रुक जाती है, कम होती है या फिर बहुत लेट होती है। इस कारण दांत टेढ़े मेढ़े भी उग जाते हैं, दांत लेट भी उगते हैं। तो आप निरंतर ये कार्य करते रहिए, कुछ हल्के जो हार्ड से चीज हो वो खाइए। खाने में आप ऐसे सामान को यूज कीजिए, भाई सारा खाना हार्ड चीजों का तो नहीं खाया जा सकता, पर समय रहते कुछ ऐसी भी खाइए जिससे कि दांत आपके तेजी से ग्रोथ करें। और जितना ज्यादा लोड आपके दांतों पर पड़ेगा शुरुआत से ही, उतने ही मजबूत दांत उगेंगे, क्योंकि मैसेज तो यही जाएगा कि भाई दांतों पर सब जगह बहुत ज्यादा लोड है, तो दांतों को ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है, तो आपके दांत बहुत तेजी से ग्रोथ भी करेंगे उसी के रेस्पेक्ट में जितना उस पर लोड पड़ रहा है, क्योंकि शरीर क्रिया के बाद प्रतिक्रिया देता जरूर है। तो आप अपने दांतों का ख्याल कीजिए, मसूड़ों की मसाज कीजिए और आपके दांत जल्दी उगना शुरू हो जाएंगे। तो वैसेंस जी, आशा करते हैं कि आपको आपकी समस्या का हल मिल गया होगा। अगर आपके पास कोई और समस्या है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई, अच्छी लगी, तो वीडियो में दी हुई जानकारी को लाइक करते हुए कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।